अब हम लास्ट मसल फाइबर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द कार्डियक मसल फाइबर। और इसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा रिगार्डिंग दिस स्किन, दिस स्मूथ मसल। सो जैसे हमने देखा, कार्डियक मसल इज दिस टाइप ऑफ स्ट्राइटेड मसल विच हैज सेंट्रल न्यूक्लियस एंड हैज द प्रेजेंस ऑफ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया। सिंस हार्ट को पंप करना है ब्लड टू द एंटायर बॉडी, इट मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी सोर्सेज। सो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। देन वी हैव द कार्डियक सिंसाइटियम, जैसे कि जो इंडिविजुअल कार्डियोमायोसाइट्स है, दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था कि वी हैव दीज आर द आईसी डिस्क, और ये एक सिंसाइटियम की तरह काम करता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल की तरह। तो सिंसाइटियम एज वी डिस्कस इज नथिंग बट फॉर्म बाई द फ्यूजन ऑफ मल्टीपल सेल्स विच आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ द इंटरकैलेटेड डस्ट। एंड द फंक्शन ऑफ द सिंसाइटियम इज टू प्रोवाइड रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी जो भी एक्शन पोटेंशियल आ रहा है मसल सेल के पास उसे ट्रांसमिट करना, एंड हेल्प इन द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ हियर we have the three coverings of the heart, which are the epicardium, the myocardium and the endocardium, from the out to in. Aur jo cardiac muscle cells hote hain, these are stimulated with the help of the cardiac pacemaker cells and the ANS. So finally, we'll be discussing about the sliding filament theory, in which we have the involvement of the ye jo hai ye dono skeletal muscle aur cardiac muscle mein paya jata hai। बट कार्डियक मसल का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इट इज़ रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द पेसमेकर सेल्स एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज नर्व से उसके पास बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं। इन सम पोजिशन वी हैव बीटा टू रिसेप्टर एंड वेरियस अदर रिसेप्टर्स। सो जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, इसमें मोटा मोटा यही हो रहा है कि जो आपके मायोसिन फिलामेंट्स है वो आपके एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करेगी और उसे पुश करेगी आगे की तरफ, एंड इट वुड लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन मोमेंट, और जो टाइटन है वो उसे वापस नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगी। सो अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इन द एक्शन पोटेंशियल, व्हेन द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, यानी जब भी आपके न्यूरॉन हैं, ये आपकी जैसे नर्व एंडिंग हो गई, इसमें से एसेटाइल कोलीन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और ये एसेटाइल कोलीन मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करेगी टू द सार्कोलेमल रिसेप्टर्स। ये जो ACH है वो बाइंड करेगी टू द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सार्कोलेमा। सो ये हमारी सार्कोलेमा है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, और इससे बाइंड करेगा आपका ACH मॉलिक्यूल। अब जैसे ही ये ACH मॉलिक्यूल इससे बाइंड होता है, डीपोलराइजेशन होगा, सिंस एक्शन पोटेंशियल का फर्स्ट फेज है डीपोलराइजेशन। और जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, ये जो सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है ऑन दी सार्कोलेमल मेम्ब्रेन, ये सोडियम की एंट्री अंदर की तरफ करवाएगी, और जो सोडियम पोटाशियम ATPase चैनल है, दैट इज़ ATP के मदद से सोडियम को अंदर लाना और पोटाशियम को बाहर फेंकना, तो ये होगा। और जैसे ही ये होता है, अलोंग विद इट वी हैव द ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज मीडिएटेड कैल्शियम चैनल्स। अब इससे पॉजिटिव चार्ज अंदर साइड डेवलप होगा ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, और जो कैल्शियम चैनल्स है, जैसे कि हमारे सार्कोलेमल मेम्ब्रेन के ऊपर, टी ट्यूबल्स के ऊपर स्पेसिफिकली, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द DHPR, दैट इज द डाइहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स। अब ये डाइहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स का काम होता है कि कैल्शियम की एंट्री को जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है उसे अंदर की तरफ लाया जाए, और
इससे क्या होता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर और कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट है, जिसे हम RYR चैनल्स कहते हैं। दीज आर दी राइनोडीन रिसेप्टर्स। अब होता क्या है, कैल्शियम के एंट्री की वजह से साइटोप्लाज्म में लेवल ऑफ कैल्शियम इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली ये जो राइनोडीन रिसेप्टर्स है, ये भी ओपन होते हैं और ये भी रिलीज करते हैं कैल्शियम आयंस इन द साइटोप्लाज्म। सो इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द साइटोप्लाज्म है वो बढ़ता है और इट वुड लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन, सिंस ये कैल्शियम जाएगा कहाँ, ट्रोपोनिन से बाइंड करने। और जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है वो इन टर्न इफेक्ट करेगा ट्रोपोमायोसिन के ऊपर और उससे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ओपन हो जाएंगी, और ड्यू टू विच वी हैव द साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल, इट ओपन्स द प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ऑन द रिलीज ऑफ ACH फ्रॉम द एंड्स ऑफ न्यूरॉन। देन वी हैव द पोस्ट साइनेप्टिक ACH बाइंडिंग। यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक इज द मसल इटसेल्फ। यहाँ पर ACH बाइंड होगा मसल सेल का डीपोलराइजेशन, यानी सोडियम आयंस का एंट्री। देन वी हैव द डीपोलराइजेशन ऑफ द टी ट्यूब्यूल्स। देन इसकी वजह से वी हैव द डाइहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सार्कोलेमा। ये अलॉन्ग विथ द राइनोडीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल रिलीज द कैल्शियम आयन इन टू द साइटोसोल। अब साइटोसोल में बढ़ने की वजह से ट्रोपोमायोसिन जो है, जो कवर कर रहा था मायोसिन साइट को ऑन द एक्टिन, पहले जो कैल्शियम मॉलिक्यूल्स है वो ट्रोपोनिन के ऊपर जाएगा और फिर ट्रोपोमायोसिन को हटने के लिए बोलेगा, और फिर मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन होने के बाद मायोसिन हेड उससे अटैच होगा। इट वुड लीड, यानी यहाँ पर मैंने वो प्रोसेस लिखा हुआ है, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन सी, लीड्स टू द शिफ्टिंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन एक्सपोजर टू द मायोसिन बाइंडिंग साइट। इट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट। अब जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, कैल्शियम की वजह से ट्रोपोनिन ने अपना काम किया, ट्रोपोमायोसिन ने अपना काम किया, वो दोनों हट गए रास्ते से। लेकिन अब इस प्रोसेस को मीडिएट करने के लिए हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत लगती है, तो दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ ATP। अब ये ATP जो है, जैसे हमने देखा ATPase डोमेन होता है मायोसिन हेड में, तो उससे ATP जो है वो हाइड्रोलाइज होगा, टूट जाएगा और ADP और IP फॉर्म करेगा। अब इसमें वी हैव द इनिशिएशन ऑफ द पावर स्ट्रोक। इनिशिएशन यानी मायोसिन हेड का एक्टिन फिलामेंट से बॉन्ड बनाना, उसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि मायोसिन फिलामेंट जो है वो एक्टिन को H जोन की तरफ ढकेलेगी, विच वुड लीड टू द शॉर्टनिंग ऑफ मसल, इन टर्न शॉर्टनिंग ऑफ द H जोन एंड द I बैंड्स, दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड जो है वो कम हो जाएगी, शॉर्ट होगी, एंड इट वुड लीड टू द HIZ श्रिंकेज। सो आप ये निमोनिक भी हमेशा याद रख सकते हैं, दैट A बैंड इज ऑलवेज फॉर द सेम लेंथ। लास्ट में अब जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, ADP रहा मायोसिन फिलामेंट के साथ, मायोसिन हेड के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हुआ इन द प्रोसेस ऑफ पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द H जोन। अब उसके बाद इस ADP मॉलिक्यूल का काम होने के बाद वी अगेन हैव द सप्लाई ऑफ द ATP मॉलिक्यूल, और जैसे ही ये ATP मॉलिक्यूल वापस आता है, जो मायोसिन हेड है एक्टिन फिलामेंट से बंधा हुआ था वो वापस से रिलैक्स हो जाएगा, और इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, लीडिंग टू द ADP एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्मेशन। सो अब हम स्मूथ मसल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो स्मूथ मसल है, इसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स है, ये इररेगुलरली प्लेस्ड है, सो इट मस्ट हैव सम अदर मैकेनिज्म विद विच इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस।
सो उसके बारे में ही बात करेंगे दैट इसका मेन स्टिमुलस क्या है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज स्टिमुलस इज इम्पॉर्टेंट. इन केस ऑफ द जी आई ट्रैक्ट वी हैव द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल विच आर रिस्पॉन्सिबल. ये भी एक पेसमेकर सेल की तरह है. जैसे हमारे हार्ट में पेसमेकर सेल है, वैसे ही हमारे जी आई ट्रैक्ट में इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल है. सो इसमें एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव द एसिटाइल कोलिन, द नॉरएपिनेफ्रिन और द नॉरएड्रेनालिन. इट कुड ऑल्सो द स्टिमुलस कुड ऑल्सो बी द इंक्रीज इन पी एच और डिक्रीज इन पी एच. वी हैव द हॉर्मोन्स लाइक वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, द एड्रेनालिन विच इज द एपिनेफ्रिन और द वेजोप्रेसिन और एनी अदर हॉर्मोन. सो ये मैंने यहाँ पर एक मसल सेल ड्रॉ किया है. यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं वी हैव द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक रिजर्वायर है कैल्शियम का. तो होता क्या है, जब सपोज स्टिमुलस पॉजिटिव होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, तो उस टाइम जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स है इट वुड लीड टू द एंट्री ऑफ कैल्शियम इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. अब ये जो कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट है, दीज आर दी एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ऑन दी स्मूथ मसल सेल्स. एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी ऑल्सो हैव दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कैल्शियम रिलीज करता है इन दी साइटोप्लाज्म. और ये बाइंड होगा टू दी कालमोडुलिन. कालमोडुलिन एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्टिंग विद कैल्शियम एज वी हैव सीन इन केस ऑफ स्मूथ मसल. वेयरएज इसका ही सब्सटीट्यूट हमारे पास स्केलेटल मसल या फिर स्ट्राइटेड मसल्स में इज द ट्रोपोनिन. ये कालमोडुलिन जो है वो एक्टिवेट करता है कैल्शियम कालमोडुलिन कॉम्प्लेक्स दैट इज़ द CMC विच शुड इन टर्न इनिशिएट द MLCK. अब MLCK इज द मायोसिन लाइट चेन काइनेज. ये जो है मायोसिन लाइट चेन काइनेज इट वुड फॉस्फोराइलेट यानी ये ऐड करेगा एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल टू द लाइट चेन ऑफ द मायोसिन हेड और इसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होता है. वेरस अगर यही रिलैक्सेशन करना हो तो वी हैव द नाइट्रिक ऑक्साइड. तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इट विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज. सो इन द लाइट चेन ये जो है ये फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देगा. इट अंडरगोज वैरायटी ऑफ स्टेप्स. इसके बारे में आपको डिटेल में अभी नहीं जानना. द लास्ट वन विच वी हैव इज द कार्डियक मसल. जैसे हमने पढ़ा कि कार्डियक मसल में इनिशियली कार्डियक पेसमेकर सेल्स होते हैं, देन वी हैव इट्स मसल सेल डीपोलराइजेशन. लास्टली इससे सार्कोलेमा डीपोलराइज होती है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम और सोडियम आयंस का जिसकी वजह से अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होगा. और इसके बाद जो प्रोसेस है इट इज़ सिमिलर टू द स्केलेटल मसल. जो मायोसिन हेड है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करेगा और वही सारा प्रोसेस होगा.